हिंदुस्तान का संगीत जगत आज सुना हो गया, वो आवाज़ जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को दर्द का एहसास क्या होता है अपने संगीत के गुर से वो बताया, वो आवाज़ अब कभी थमक नहीं पाएगी। वो आवाज़ जिसने न जाने, सिर्फ मैं हिंदी जगत की बात नहीं करूँगी, हिंदी सिनेमा जगत की बात नहीं करूँगी, जिसने पूरी दुनिया में एक अलग पहचान अपने स्थापित की, वो आवाज़ अब हमें कभी सुनाई नहीं देगी क्योंकि लता दीदी अब हमारे बीच में नहीं है। जी हिंदुस्तान आज देश के अलग अलग हिस्सों से आपको लता दीदी के फैंस से मिलवाएगा। उनके फैंस इस वक्त क्या सोच रहे हैं, कैसे उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, कैसे उन्हें याद कर रहे हैं, ये जी हिंदुस्तान आज आपको दिखाएगा। और आपको मुंबई भी लिए चलेंगे जहाँ पर थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचने वाले हैं और 6:30 बजे का क्योंकि समय है जब पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी लता दीदी। और वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, वहाँ पर लोग क्या सोचते हैं, कौन कौन वहाँ पर पहुँच रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। और मैं आपको बता दूँ, मेरे साथ जो मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त, हितेन मेरे साथ हैं और मीनाक्षी मेरे साथ हैं, उनके साथ जो लता दीदी के फैंस हैं उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक अहम खबर आप जान लीजिए, लता दीदी से जुड़ी हुई है एक अहम खबर सामने आ रही है। 6:30 बजे का वो वक्त होगा जब शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि हिंदी सिनेमा के जो तमाम बड़े दिग्गज हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन आप उनकी बात कर लीजिए या फिर तमाम ऐसे जो बड़ी शख्सियत है, वो उनके घर पहले से ही पहुंच चुकी है। शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार होगा और 6:30 बजे का वो वक्त है जब लता जी का अंतिम संस्कार होगा और थोड़ी देर में अंतिम यात्रा जो है वो निकलेगी। वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे क्योंकि इस वक्त पूरा देश गमगीन है, हर कोई लता दीदी को अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहा है, हर कोई याद कर रहा है उनकी आवाज़ को, उनके तरफ से गाए हुए वो तमाम गानों को। 20 भाषाएँ, आप सोचिए 30,000 से ज़्यादा गाने, एक अलग रिकॉर्ड उन्होंने स्थापित किया। मीनाक्षी का मैं इस वक्त रुख कर लेती हूँ। मीनाक्षी, आपके पास भी इससे जुड़ी हुई कोई खबर है? बिल्कुल लवीना, देखिए सबसे पहले तो क्योंकि स्वर कोकिला कहा जाए लता मंगेशकर को, जो कुछ भी कहा जाए वो कम है, देश न जाने उन्हें किन किन नामों से जानती है। लेकिन दर्शकों को दो तस्वीरें भी हम इस वक्त की दिखा दें लवीना, कि किस तरह से जब अब उनका पार्थिव शरीर क्योंकि पहुंच रहा है। मैं आपको बता दूं दो तस्वीरें हैं, पहली तस्वीर लता दीदी के घर प्रभु कुंज की है जहां सेना का ट्रक सजाया गया है, इसी पर लता जी के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। तो ये लता मंगेशकर के घर की तस्वीर फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं, बस कुछ ही वक्त बचा है, यहाँ से पार्थिव शरीर लेकर के शिवाजी पार्क अब जाया जाएगा। ये तस्वीरें आपको प्रभु कुंज की इस वक्त जी हिंदुस्तान दिखा रहा है, पूरे राजकीय सम्मान के साथ लता दीदी का अंतिम संस्कार होगा। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर रवि किशन मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करते हैं। रवि किशन जी, आज वो दिन है जब हर कोई अपनी अपनी तरह से लता दीदी को याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, आप किस ढंग से उन्हें याद करेंगे? मतलब हमने कहा ना कि सिनेमा जगत, संगीत जगत अनाथ हो गया,
और ऐसी आवाज, ऐसी व्यक्तित्व संघर्ष की नारी शक्ति के रूप में एक माता सरस्वती देवी देवी का रूप हमारी उससे मुलाकात की आशीर्वाद उनका एक ही था कि जीवन में अभ्यास करते रहो, अभ्यास हमेशा जरूरी है, सारे प्रयास वेतन का पूरा अभ्यास है, प्रयास करते रहो अपने आप में। और मैं बाकी जो लगा आशीर्वाद मिला और अभी हम बम्बई उतरे हैं मुंबई से और अभी उनके घर गए। रवि किशन जी, अगर एक गायक के तौर पर भी मैं आपसे समझना चाहूँ, क्योंकि लता मंगेशकर ने जो स्थान हासिल किया वहाँ तक पहुँचना एक आम गायक के लिए शायद सपना ज़रूर हो लेकिन कल्पना भर रह जाता है। जी जी जी, देखिए मेरे वतन के लोगों भी गाती हैं जो कि नेशनल एंथम की तरह गाया जाता है, भर ले पानी, फिर लम्हे का भी गाना गाती हैं और वो कोई डिस्को भी गाती हैं, भजन भी गाती हैं और करीबन 50,000 गाने उन्होंने अपने जीवन में गाए हैं। मुझे नहीं लगता कि अब ये स्वर कोकिला ऐसी आवाज, और सही मायने में भारत रत्न जिसको कहें तो वही है। देखिए मृत्यु के बाद सब लोग तारीफ करते हैं लेकिन लता दीदी ऐसी थी कि वो जेन्युइनली तारीफ के काबिल थी। एक परिवार को कैसे संस्कृति संसार भारत की पहचान की तक बताई, वो भारत उन्होंने अपनी बहनों को सबको लेके चली, फैमिली के लिए उन्होंने बहुत त्याग किया। 11 साल की उम्र से उन्होंने सिंगिंग की और पहली कमाई उनकी 30 रुपए थी जो रेडियो खरीदी थी, और मैं उनका एक इतिहास है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया फिर वो लता मंगेशकर जी बनी, भारत रत्न लता मंगेशकर जी की आज पूरा देश उसके लिए, आज उनके आंखों में आंसू, पूरे देश से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं आ रहे हैं मुंबई, और तो ये है, ये जब एक कलाकार को कितना बड़ा सम्मान मिलता है, ये देश कलाकारों को और सच्चाई को और ईमानदारी को बहुत ये देश सम्मान देता है। उन्होंने इतने साल एंटरटेन किया हम लोगों को, उन्होंने अपने गीतों से, अपने भजनों से, अपने संगीत से और अपनी सादगी से, उन्होंने बताया कि कितने भी बड़े आप व्यक्तित्व क्यों ना हो जाए आपकी सादगी आपका संस्कार होती है, वही भारत का भारत की पहचान थी। आज मैंने कहा फिल्म जगत और संगीत जगत में आज वो अनाथ हो गया, अपनी माँ पे हो गया। सर मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि एक कलाकार के तौर पर, एक गायिका के तौर पर लता मंगेशकर 80 साल की उम्र तक सक्रिय रहीं, हम सब ने देखा उन्होंने कई पीढ़ियों को आवाज दी अपनी, कि ये कितना मुश्किल होता है एक कलाकार के लिए, एक गायक के लिए, कि इतने लंबे वक्त तक सक्रिय रह पाए। वो बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए आपको रियाज करना पड़ता है, उसके लिए आपकी ईश्वरीय कृपा होती है, साक्षात देवी की कृपा थी, उनको माँ कहते थे, दीदी कहते थे, रियाज करते थे, अभ्यास करते थे अपनी दादी के साथ, उन्होंने कभी गलत गाने नहीं गाए, उन्होंने हमेशा अच्छे गाने गाए और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के साथ इंडिया में काम किया, सारी हीरोइनों को उन्होंने आवाज दी, माधुरी दीक्षित हों या श्रीदेवी हों या पुरानी हीरोइनों हों या जो भी इमेजिन, उनका एक इतिहास है, जितना हम बोले हैं मतलब ठीक है। अच्छा हम पहुंच गए वहां, फिर आपसे बात करते हैं। ठीक है बहुत शुक्रिया रवि किशन जी जुड़ने के लिए जी हिंदुस्तान के साथ। तो अब सुना आपने रवि किशन जी को, वो अपने तरह से श्रद्धांजलि देते हुए लता मंगेशकर को, कि बहुत मुश्किल होता है एक कलाकार का यहां तक पहुंच पाना, इस जगह तक पहुंच पाना और इतने लंबे वक्त तक सक्रिय रहना, एक कलाकार के लिए ये आसान नहीं लेकिन उसके लिए रियाज की ज़रूरत होती है, और माँ सरस्वती का साक्षात आशीर्वाद लता मंगेशकर को प्राप्त था, वो वरदान उनके पास था। रवि किशन ने कुछ इस ढंग से याद किया लता मंगेशकर को, और हर कोई जो भी लता मंगेशकर का चाहने वाला है, जिसने भी उनकी गीत सुने हैं, उनकी आवाज़ सुनी है, वो हर कोई आज गमजदा दिखाई दे रहा है। और लता मंगेशकर वो शख्सियत हैं जिनके गानों ने फिल्मों से ज़्यादा कमाई की है। हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड के अंदर अब जो फिल्में बनाई जाती हैं उनको कितनी अर्निंग हुई है, इस हिसाब से ही वो हिट कितनी है, क्या वो सुपर डुपर हिट की श्रेणी में आती हैं या नहीं आती हैं, इस तरह से उसे उसका आकलन किया जाता है। और लता मंगेशकर वो शख्सियत रही है, वो गायिका रही है कि फिल्में क्या कमाएंगी, उनका एक गाना अगर फिल्म में होता था तो वो पूरी पिक्चर की कमाई से ज़्यादा सिर्फ वो एक गाना कमा लेता था, और यहाँ तक पहुँच पाना
हर कलाकार के बस की बात नहीं होती, और इसीलिए आज हर कोई उन्हें याद कर रहा है, उनकी शख्सियत को याद कर रहा है। जिस तरह से बॉलीवुड में होकर भी, चकाचौंध की दुनिया में होकर भी उन्होंने अपनी सादगी को बरकरार रखा, न सिर्फ आवाज़ के लिए लता मंगेशकर पहचानी जाती रही हैं बल्कि अपनी सादगी के लिए भी उन्हें जाना जाता रहा है, लोग उन्हें याद करते हैं। ये जितनी तस्वीरें लता मंगेशकर की आप देख पा रहे हैं, इन तस्वीरों में उनकी सादगी आपको दिखाई देगी, और उस लिहाज से भी लता मंगेशकर बन पाना अगले कई सालों तक या शायद जन्म लग जाए पर दूसरी लता मंगेशकर फिल्म इंडस्ट्री को नहीं मिल पाएगी, और इसीलिए ये भारी जमावड़ा भी आप उनके घर के बाहर देख रहे हैं। भारत रत्न है लता मंगेशकर, पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई होगी। अब उनके पार्थिव शरीर को उनके घर से शिवाजी पार्क ले जाया जा रहा है। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, न सिर्फ फिल्मी हस्तियाँ बल्कि राजनीतिक जगत के भी जो धुरंधर हैं वो आज यहाँ उनके घर पहुँचे, उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुँचे। पूरे देश ने उनके लिए दुआएं की, लेकिन प्रभु को शायद कुछ और मंजूर था। लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं है। एक वो वक्त भी था जब लता मंगेशकर ने मेरे वतन के लोगों गाया था, और उस वक्त के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी आंखों में आंसू आ गया था। और एक आज वो दिन भी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में आंसू है, वो खुद आ रहे हैं लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। शिवाजी पार्क की तस्वीर भी आपके सामने है, और प्रभु कुंज जहां लता मंगेशकर का घर है वो तस्वीर भी आपके सामने है। अब लता मंगेशकर का जो पार्थिव शरीर है वो प्रभु कुंज से शिवाजी पार्क की ओर आगे बढ़ेगा, और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई लता मंगेशकर को दी जाएगी। ये सीधी तस्वीरें मुंबई से इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बॉलीवुड में तमाम ऐसे स्टार्स हैं जिन्हें हिट कराने में, उनकी आज जो इमेज है वो बनाने में लता मंगेशकर का बहुत बड़ा योगदान है। हर अभिनेत्री ये चाहती थी कि लता मंगेशकर की आवाज़ में एक गाना अगर उसकी पिक्चर में आ जाए तो उसकी फिल्म हिट हो जाएगी। ये कामना लोग करते थे कि लता मंगेशकर उनके साथ काम कर लें। वो शख्सियत अब आज हमारे बीच नहीं रही। शाम 6:30 बजे अंतिम संस्कार लता मंगेशकर का होना है, और उसके पहले ये सीधी तस्वीरें उनके निवास प्रभु कुंज जहाँ से अब उनका पार्थिव शरीर आगे ले जाया जाएगा शिवाजी पार्क के लिए, वो सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। हर कोई अपने अपने ढंग से लता मंगेशकर को आज याद कर रहा है। लता मंगेशकर का गाया हुआ हर गाना, हर शब्द, हर लाइन जिसे आवाज़ दी लता मंगेशकर ने वो कालजयी हो गई। हमेशा के लिए उसे संजो कर रखने की ज़रूरत है, उसे याद करने की ज़रूरत है। ये सीधी तस्वीरें फिलहाल शिवाजी पार्क की आप देख रहे हैं जहां पार्थिव शरीर लता मंगेशकर जी का लाया जाएगा, और यहीं पर लता दीदी को अंतिम विदाई दी जाएगी। तमाम जो आमो खास लोग हैं उनकी भीड़ यहां पर इकट्ठा हो चुकी है, चाहे वो लता मंगेशकर के चाहने वाले हैं या वीआईपी लोग हैं, वो सभी यहाँ मौजूद हैं। और लता मंगेशकर सिर्फ अपने शब्दों से लोगों के दिलों में घर नहीं करती थी, उन्हें जानने वाले, उन्हें पहचानने वाले जो जीवन में कभी एक बार भी उनसे मिला है वो ये जानता है कि कितनी आत्मीयता के साथ वो हर किसी से मिलती थी, आशीर्वाद देती थी, कितने अपनेपन से बात करती थी। और आज वो तमाम लोग अंतिम दर्शन के लिए लता मंगेशकर के पहुंचे, और अब ये प्रभु कुंज से गाड़ी आगे बढ़ चुकी है पार्थिव शरीर लेकर। प्रभु कुंज लता मंगेशकर का निवास स्थान रहा है। आप देखिए इस गाड़ी के ठीक पीछे उनके चाहने वालों का भी एक लंबा काफिला है, उन्हें पसंद करने वालों का काफिला है। लोगों को मैं यहाँ पर हाथ जोड़ करके नमन करते हुए देख रहा हूँ। लोग पैर पड़ गए हैं, फूल जो है वो पुष्प गुच्छ से उन्हें जो है अंतिम श्रद्धांजलि दे गए। और ये तस्वीर देखिए, तिरंगे में लिपटा हुआ लता दीदी का तस्वीर, सफ़ेद साड़ी पहने हुए, माथे पर तिलक लगाए हुए, साथ में लाल फूलों की माला पहने हुए। लता दीदी हम भी आपको नमन करते हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं लता दीदी की तस्वीर, ये अंतिम दर्शन की तस्वीर जिसमें आपको
लता दीदी के साथ में आशा भोसले दिखाई दे गई हैं, हाथ जोड़ते हुए जी न्यूज के कैमरा पर लोगों को धन्यवाद कह गई हैं। साथ में आपको इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी के जवान दिखाई देंगे। लता दीदी के भाई, उनके परिवार के दूसरे लोग भी जो है इस वक्त इस गाड़ी में यहाँ पर मौजूद है। और उसके ठीक पीछे देखिए एक लंबा काफिला लोगों का, हाथों में तस्वीर लिए हुए लता दीदी की, कैसे लता दीदी अमर रहे ये बात कह गई है। और ये जो काफिला है वो अब आगे बढ़ रहा है और मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर मुंबई के पेडर रोड की, जहाँ पर हर कोई अब लता दीदी को अपनी आखिरी विदाई देते हुए नजर आ रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि मेरे कैमरामैन जो है वो आगे आकर के भी आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। ये दूसरी तरफ से भी मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। आपने भी शायद उम्मीद है कि लता दीदी के अंतिम दर्शन कर लिए होंगे, हमने जो तस्वीर आपको दिखाई उसके जरिए। और इस वक्त मैं आपको इस कॉन्वॉय के ठीक पीछे का हिस्सा अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देखिए ये काफिला मुंबई के पेडर रोड से लेके अब ये कैडबरी जंक्शन पर पहुंचा हुआ है। यहाँ पर ये महालक्ष्मी मंदिर का ये जंक्शन है, सड़क के दोनों तरफ आपको भीड़ दिखाई देगी, लोगों का जन सैलाब। जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था, वो जन सैलाब रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, लता दीदी की तस्वीर हाथ में लिए हुए, लता दीदी अमर रहे इसी आवाज़ के साथ निकल गई है, लोग सड़कों पर हैं। ये तस्वीर हमेशा याद की जाएगी।